नमस्कार, 7i न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुजीता। और खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अयोध्या में सरकार ने रामलला के पुजारी का बढ़ाया वेतन, सहयोगी स्टाफ के भत्ते में भी इजाफा, पूजा के लिए 52,000 रुपए का सालाना फंड। चालीस साल बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा, केजरीवाल की लोगों से अपील, डरे नहीं सरकारी टेंटों में आ जाए। स्वतंत्रता दिवस पर जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने, जमीन पर पड़े तिरंगे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, प्रशासन ने नहीं की कोई कार्रवाई। ग्वालियर में युवाओं में दिखा देश प्रेम, सोशल इशू को लेकर जज्बा, कार्यक्रम में लिया 110 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग। और मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध सिंगौड़ी का भुजलिया उत्सव, छिंदवाड़ा सिंगौड़ी में मनाई जाएगी भुजलिया। और अब खबरें विस्तार से। योगी सरकार ने अस्थाई राम मंदिर के प्रधान पुजारी और कर्मियों का भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। अयोध्या के मंडलायुक्त मनोज मिश्रा ने मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को इस बात की जानकारी दी। आचार्य सत्येंद्र दास हाल ही में भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर मंडलायुक्त से मुलाकात भी की थी। अभी प्रधान पुजारी को 12,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक मिलता है, ये कमिश्नर द्वारा दिया जाता है। हरियाणा से हटनीकुंड बैराज से 40 साल बाद यमुना नदी में सबसे अधिक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है और जलस्तर 207 मीटर तक जाने का अनुमान है, जिससे निचले इलाकों में स्थिति भयावह हो सकती है। वहीं बाढ़ के खतरे की आशंका के बीच सोमवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने अगले दो दिन बाढ़ का खतरा है। केजरीवाल ने कहा कि यमुना के आसपास रहने वाले लोग डरे नहीं, बल्कि शाम तक घरों से निकलकर सरकारी टेंटों में आ जाए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने टेंटों के प्रबंध किए हैं, लोग यहां आकर रहें। मध्य प्रदेश के जिला सागर की तहसील केसली में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। केसली के कन्याशाला परिसर में ध्वजारोहण किया गया, पर कुछ घंटों के बाद तिरंगा झंडा जमीन पर पोल सहित गिर पड़ा। पर कार्यक्रम में उपस्थित जिम्मेदारों ने ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, पर अब तक प्रशासन ने कोई पूछताछ भी नहीं की है और ना ही इस मामले को संज्ञान में लेना जरूरी समझा है। जिसकी जवाबदेही होगी, जो करा परंपरागत जो कराते आए हैं जी, तो जिन्होंने समिति का आयोजन किया है, वहाँ पर मीटिंग हुई है, जिनको जो जवाबदेही दी गई है और लिखित में साइन हो सकते हैं, तो वो जिम्मेदार हैं। रोटरैक डिस्ट्रिक्ट 3053 ने ग्वालियर और आसपास शहरों के कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शो टाइम का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य रोटरैक की कार्यशैली को युवाओं तक पहुंचाना और युवाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ना था। युवाओं ने रैप, पोएट्री और स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से देश की कई समस्याओं को बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। युवाओं में इससे देशभक्ति का जज्बा दिखा और महिलाओं में शोषण, भेदभाव, आतंकवाद जैसी कई समस्याओं को भी जाना। कार्यक्रम में 110 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। अंत में पुरस्कार वितरण समारोह में सहायक प्रांतपाल रोटे महेंद्र शर्मा, रोटरी क्लब गालव के अध्यक्ष रोटे कौशल बुटोलिया मौजूद रहे। 7i न्यूज के लिए ग्वालियर से यतेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मैंने शहीदों की आवाज़ को दर्शाया था अपने रैप के लिए, कि उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं। माँ तेरी रक्षा के लिए न मैं तेरे पास हूँ, माँ तेरे रक्षा के लिए न माँ तेरे पास हूँ, पर हंस के मुझको कर विदा, न अर्थी पे हो आसा। तहसील अमरवाड़ा के सबसे बड़े आयोजनों के पर्व में शामिल सिंगौड़ी का ऐतिहासिक भुजलिया उत्सव संपूर्ण जिला सहित मध्य प्रदेश में भी प्रसिद्ध है। आसपास के 52 ग्रामों के लोग इस पर्व को मनाने यहां अपने परिवार सहित पहुंचते हैं और कजलिया को मनाते हैं। सिंगौड़ी की भुजलिया जिले में आपसी मित्रता, भाईचारा और कौमी एकता के रूप में प्रसिद्ध है। सार्वजनिक भुजलिया उत्सव समिति के अध्यक्ष योगेश यादव ने बताया कि इस विशाल समारोह में इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह परंपरागत रूप से रक्षाबंधन के तीसरे दिन 17 अगस्त को भुजलिया पर मनाया जाएगा। इस दौरान सिंगौड़ी पुलिस प्रशासन कड़ी सुरक्षा के इंतजाम के साथ उपस्थित रहेंगे। 7i न्यूज के लिए अमरवाड़ा से राकेश चांदवंशी की रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भुजलिया उत्सव एवं इनामी दंगल नेहरू स्टेडियम में संपन्न हुआ, जिसमें बैतूल छिंदवाड़ा जिले के पहलवानों ने कुश्ती के जौहर दिखाए। विजेता पहलवानों को भुजलिया उत्सव समिति के द्वारा नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं उपविजेता पहलवानों को भी नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आशीष ठाकुर, समिति अध्यक्ष शंकर लाल सेन, योगेश साहू,
पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष आदर्श शर्मा, जियारत खान, राहुल अमुले, हरिभाऊ तरुण जैन, विवेक चंद्रवंशी, संतोष बड़ोनिया, भूषण अरोरा, कपिल चौरसिया, संजय डहरिया, संजय जैन, निरुपम बनर्जी आदि अनेकों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 7i न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से आकाश पाठी की रिपोर्ट। ये कहावत बिल्कुल सच है, जाको राखे साईया मार सके ना कोई, मतलब जिसे रब जिंदा रखना चाहे उसे कोई भी नहीं मार सकता। ऐसा ही एक मामला हुआ है झाबुआ जिले के मेघनगर रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, दिल्ली मुंबई ट्रैक पर 14 अगस्त को एक अधेड़ पटरियों को क्रॉस कर रहा था, अचानक सामने मालगाड़ी को पाकर वो पटरियों के बीच लेट गया और मालगाड़ी उसके ऊपर से धड़धड़ाते हुए गुजरने लगी, तभी किसी ने उसका वीडियो बना लिया। 7i न्यूज के लिए झाबुआ से जावेद खान की रिपोर्ट। मोहगांव हवेली नगर में कोष्टी बुनकर समाज द्वारा विगत 7 दिनों से मना रहे भुजलिया उत्सव का आज कबीर बाड़े में नवविवाहितों के सत्कार के साथ परंपरागत रूप से समापन हुआ। इस अवसर पर भुजलिया मनाने वाली सभी नवविवाहित कन्याओं को साड़ी श्रीफल भेंट किया गया। बता दें कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन रात्रि में ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी करते हुए परंपरागत लोकगीतों का गायन करते हुए सरपा नदी में भुजलियों का विसर्जन किया गया। आज भी सभी महिलाएं बाजार चौक स्थित करीब बाड़े में एकत्रित हुई, जहां करीब बाड़े के अध्यक्ष निर्मला दास बोकड़े ने श्रीफल ब्लाउज पीस तथा नपा पार्षद श्रीमती निर्मला बोकड़े ने सभी नवविवाहित कन्याओं को साड़ी भेंट की। इस अवसर पर बुनकर नेता बाबूराव सोन कुसरे, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गोपाल वंजारी, गोलू ठोसरे सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। 7i न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से नकुल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बरगवां गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब देर शाम आदिवासी समुदाय के 2 युवक मोहन और दौलत गांव के पास नहर में मछली पकड़ने पहुंचे और नहर में तेज बहाव के चलते बह गए। हालांकि एक ग्रामीण अशोक ने मोहन को पानी से बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पिछौर पुलिस थाना प्रभारी पप्पू यादव बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपनी निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि दूसरे लापता युवक दौलत की खोज अभी भी जारी है। डैम पे से निकल रहे थे, कुछ खुसक गया था वो। कौन? मोहन। मोहन, हाँ। तो उसके ऊपर से फिर वो दूसरा भी कूद गया बचाने के लिए। दूसरा कूद गया। फिर उम्र कितनी है? फिर उसके ऊपर फिर तीसरा भी कूदा। हाँ, फिर दो तो मैंने निकाल लिए थे, तो एक नहीं निकला। क्यों गए थे वहाँ? ये चले गए थे मच्छी के लिए, मछली पकड़ना। मध्य प्रदेश के अवैध रेत का परिवहन जारी है। आए दिन इन तेज रफ्तार ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों की चपेट में आकर कई लोग और बेजुबान जानवर अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसा ही एक मामला भिंड जिले के लहार के ग्राम श्यामपुरा से सामने आया है, जहां अवैध रेत से भरे ट्रक की चपेट में आकर आधा दर्जन गायों की मौत हो गई। गायों की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर अवैध रेत के परिवहन बंद करने की मांग की है। घटना की सूचना पर पुलिस, SDM और आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और गांव वालों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, पर आश्वासन केवल आश्वासन ही रहा। बता दें कि लहार से कुछ दूरी पर अवैध रेत की खदान है। रात के वक्त लहार थाना पुलिस ने अपने संरक्षण में अवैध रेत से भरे ट्रकों को निकाला, जिसका गांव वालों ने विरोध किया। अब देखना यह है कि लहार पुलिस ट्रक चालकों और उनके मालिकों के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। टीआई साहब बोल रहे थे रेत के डंपर ही नहीं निकल रहा और जो निकलवा रहे गाड़ी लेके, वो है उन्होंने डंगी कर रहा। बाबा लग गए, गाड़ी को नंबर ले पहले। मैं सब गाड़ी का नंबर ले, मैं बात कर रहा हूँ। होटल होटल पर एक हमारा एक पत्रकार बुला शहर में मकानों के समीप से निकली 11 kV लाइन खतरनाक साबित हो रही है। शहर के सुरेखा कॉलोनी में मकान निर्माण के दौरान 2 मजदूर अचानक 11 kV लाइन की चपेट में आ गए, जिन्हें करंट से झुलसने के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तत्काल दमोह से जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दोनों मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है, पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 7i न्यूज के लिए दमोह से राजू प्रिंस की रिपोर्ट। डबरा नगर पालिका परिक्षेत्र के अधीन शुगर मिल परिषद में रहने वाले बाशिंदे अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई वर्षों से बाद पार्षद चुनते आए हैं, लेकिन विषम परिस्थितियां के बाद पार्षद चुनने के बावजूद भी विकास कार्य के नाम पर
शुगर मिल परिसर में रहने वाले लोग नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। दरअसल 150 परिवार जो कभी शुगर मिल में नौकरी करने अपना जीवन जिया करते थे, लेकिन शुगर मिल बंद होने के बाद मजदूरों को पैसा ना मिलने के कारण आज भी मजदूर उन्हीं क्वार्टरों में रहकर अपना जीवन जी रहे हैं जहां पर बरसों से रह रहे हैं, लेकिन उन लोगों का जीवन दयनीय अवस्था में है। क्वार्टरों के सामने RCC की सैकड़ों के बजाय दलदल रूपी सड़कें हैं। इन परिवारों के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो दलदल के बीच से गुजर जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो सुविधाएं इन मजदूरों को जनप्रतिनिधि के माध्यम से मिलना चाहिए वो सुविधाएं आज तक नहीं मिली। 7i न्यूज के लिए डबरा से आसिफ खान की रिपोर्ट। नगर के आसपास ग्राम अमलार, बावड़ीखेड़ा, मालाखेड़ी, फुलपुरा, टिकरिया, बारवा, खुर्रम, शहबाजपुरा, रोहसला, जागीर, तलेन आदि में सोयाबीन की फसल में एक भी दाना नहीं लगा, जिसकी बीमा राशि दिलाने और सर्वे कराने के लिए आसपास गांव के निवासियों ने तहसीलदार के नाम लीडर रामचरण मालवीय को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। 7i न्यूज के लिए तलेन से मुकेश यादव की रिपोर्ट। किसान आज बहुत हताश हो चुका है। किसान को बहुत सारी योजनाएं जो पहले चलती थी उसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। आज किसान दर दर का भटक रहा है। इतने महंगे बीज, दवाई, खाद सब करने के बावजूद भी आज किसान की फसल पूरी चौपट हो चुकी है। आज नगर टप्पा तलेन में पूरे क्षेत्र के टप्पा तलेन में जो गांव लगते हैं सभी की तरफ से एक सामूहिक ज्ञापन दिया गया है। मेरा कलेक्टर साहब से भी, नायब साहब मैडम से भी निवेदन है कि वो जल्दी जल्दी कार्य कराने के लिए कलेक्टर महोदय पहुँचाए। कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि आप सरकार को पहुँचाए और किसानों की दुख की घड़ी में सर्वे कराकर उनको एक संतुष्ट किया जाए। जिंदगी में अगर कुछ अनमोल है तो वो है गरीबों के बीच पहुंचकर उनके साथ शामिल होकर जीवन को जीना। उक्त उद्दार युवा समाज सेवी सूरत सामंत ने अपने आश्रम में उपस्थित निराश्रितों के बीच समय व्यक्त किए। सामंत ने ये भी कहा कि जीवन में कुछ पल हर इंसान के सामने ऐसे आते हैं जब वो भावुक हो जाता है। भावुकता लाना हर इंसान के जीवन का वो अनमोल समय है जो दूसरों के लिए जी कर लिया जाता है। इसके साथ ही सूरत सामंत ने अपना जन्मदिन रविवार को अपने घर में रहने वाले निराश्रितियों के बीच पहुंचकर मनाया। इस मौके पर उनके साथ अनेक मित्रगण उपस्थित रहे। इस मौके पर निराश्रितियों को भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की गई। ग्राम पंचायत उपजा की सरपंच सरोज राम सिंह कुशवाहा द्वारा गांव में डडेर प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें करीब 100 लोग भाग लेने पहुंचे। इस दौरान डडेर के सभी खिलाड़ियों के लिए सरपंच द्वारा बाल्टी वेट स्वरूप बांटी गई। इससे पहले भी भुजरिया पर्व के दौरान सभी वाहनों को साड़ी और सूट भेंट किए गए। प्रतियोगिता में वर्षों की भांति इस वर्ष भी इकलौत के पूर्व सरपंच दलवीर सिंह गुर्जर ने अपनी बंदूक के निशाना लगाकर भेजा फोड़ कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। दलवीर सिंह गुर्जर को ग्राम पंचायत गड़ी ने LED TV सहित 1,000 रुपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया। 7i न्यूज के लिए विजयपुर से कोक सिंह धाकड़ की रिपोर्ट। चित्रकूट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अमरपाटन थाना के चौरहट गांव में ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां एक मासूम का पहले अपहरण किया गया, फिर परिवार के ही चचेरे भाई ने हत्या की वारदात में को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस अधीक्षक की तत्परता से पूरी गुत्थी 4 घंटे में ही सुलझा गई। संपत्ति विवाद निकलकर सामने आ गया। बता दें कि सतना के उचहरा मार्ग के लगरगवा मटोला के बीच बदमाशों ने कट्टे की नोक पर एक मासूम का अपहरण कर लिया था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। 7i न्यूज के लिए सतना से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। नगर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। नसरुलागंज के सिहौर नाके पर डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक के सिर पर डंपर चढ़ने से घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और नसरुलागंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। 7i न्यूज के लिए बुधनी से रूप सिंह नागर की रिपोर्ट। जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सलैया हटरी गांव में स्थित खेत में बने झोपड़ी में रखे गैस सिलेंडर से गैस लीक होने पर एक ही परिवार के 4 सदस्य आग में झुलस गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि दीपचंद अहरवार के घर में रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसमें परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से सुलझ गए। उन्हें दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आग में झुलसने वालों में सुरेंद्र, कविता, ललिता, निशा और रोशनी हैं। अभी यह पता नहीं लग सका है कि आखिर गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव कैसे हुआ और घर में जब बिजली बंद थी तो आग कैसे लगी। इस मामले में पुलिस जाँच कर रही है। 7i न्यूज के लिए दमोह से राजू प्रिंस की रिपोर्ट। गैस चूल्हे में आग लग गई। कितने बजे लग गए? करीब 11 बजे। हाँ, हम लोग सो रहे थे। कैसे लगे यार? अपने आप लगी, पता नहीं चलती कैसे लगी।
नरसिंहपुर जिले में तड़के 4 बजे उस समय सनसनी मच गई जब अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई दी। बाद में जानकारी आई कि दो कुख्यात बदमाश विजय यादव और समीर खान, जिनके ऊपर दर्जनों संगीन मामले दर्ज थे, उनका आमना सामना नरसिंहपुर पुलिस से हुआ और पुलिस ने मौके पर ही दोनों को ढेर कर दिया। पूरी घटना हम आपको बताते हैं। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि जबलपुर के दो कुख्यात अपराधी, जिन पर पहले से ही कांग्रेसी नेता राजू मिश्रा की हत्या का मामला सहित दर्जनों अन्य मामले दर्ज हैं। 30,000 एवं 50,000 की इनामी बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने नरसिंहपुर जिले की ओर आ रहे हैं। पुलिस भी सक्रिय हुई। खासतौर पर 60 वर्षीय ASP राजेश तिवारी अपने दल के साथ मौके पर रवाना हुए। तभी NH 12 पर कुंभरोड़ा में उनका सामने से आ रही एक गाड़ी से हुआ, जिसमें दोनों कुख्यात आरोपी विजय यादव और उसका साथी समीर खान बैठा था। तब ASP राजेश तिवारी ने उन्हें रोकने के लिए कहा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस द्वारा की गई, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आईं। लगभग 17 राउंड फायरिंग पुलिस के द्वारा एवं 12 राउंड आरोपियों के द्वारा किए जाने के बाद विजय यादव और समीर खान को गंभीर हालत में नरसिंहपुर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों अपराधियों को मृत घोषित कर दिया। इस पूरी मुठभेड़ में एडिशनल SP राजेश तिवारी एवं 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पूरे घटनाक्रम में ASP राजेश तिवारी की अहम भूमिका रही, इसके चलते दोनों नामी बदमाशों को मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि इन दोनों बदमाशों ने पूरे महाकौशल क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैला रखी थी, जिनके पोस्टर भी जारी किए गए थे। राहुल रघुवंशी की 7i न्यूज के लिए रिपोर्ट। ये घटना आज अर्ली मॉर्निंग की है, थाना सुवातला क्षेत्र की, ग्राम कुमरौड़ा की। ये दो कुख्यात अपराधी जो है मूलतः जबलपुर के रहने वाले हैं। एक विजय यादव, इसके ऊपर 30,000 का इनाम है जबलपुर में। करीब 20 मामले हैं गंभीर धाराओं के, 302-307 के। समीर खान, उसके ऊपर भी 20 मामले हैं लगभग, और इनके ऊपर भी गंभीर धाराओं के मामले हैं। इनके ऊपर 15,000 का इनाम था। ये दोनों 2017 से फरार चल रहे थे मर्डर करने के बाद जबलपुर में। एक इनकी जानकारी हमें प्राप्त हुई, सूचना पर एडिशनल SP साहब के नेतृत्व में टीम रवाना की गई और उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई। इंटरसेप्शन करते हुए जब इंटरसेप्शन हुई तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग होने के बाद पुलिस पार्टी ने भी रिस्पॉन्ड में फायरिंग की और आत्मरक्षा में फायर हुआ, और इसमें दोनों जो अपराधी हैं दोनों घायल हुए। दोनों घायलों को पुलिस द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए 7i न्यूज़ के साथ। नमस्कार।